देखकर हुस्न तेरा मैं राजधानी हो गया, देखकर हुस्न तेरा मैं राजधानी हो गया, इस जमी को छोड़कर मैं आसमानी हो गया, सच संवर कर जब कभी वो छत के ऊपर आ गए, सच संवर कर जब कभी वो छत के ऊपर आ गए, चांद उनको देखकर खुद पानी पानी हो गया। ऊपर से फूल है मगर अंदर से खार है, ऊपर से फूल है मगर अंदर से खार है, उसको वतन से नहीं कुर्सी से प्यार है। मोटापा घट गया होता गर मलाई छोड़ देता मैं, मोटापा घट गया होता गर मलाई छोड़ देता मैं, शुगर भी नहीं आता गर मिठाई छोड़ देता मैं, अगर नहीं बनता पीएम विधायक ही बना होता, गर शादी करने के बाद लुगाई छोड़ देता मैं। मैं चाहता था जिसको पहले प्यार की तरह, थोड़ो में रहना। मैं चाहता था जिसको पहले प्यार की तरह, वो चाट गई मुझको ही अचार की तरह, यह बाद में जाना वो विधायक की है साली, चिपकी रही जो मुझसे भ्रष्टाचार की तरह। हम आदमी थे प्यार में पर भूत हो गए, हुमा कसीर ने कहा तो पहले तुम बड़े हैंडसम दिखते थे, आजकल कमजोर क्यों हो गए हो, हैंडपंप हो गए। हमने कहा कि आप कम से कम दिख रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। हमने कहा कि हम आदमी थे प्यार में पर भूत हो गए, ये सेब जैसे गाल भी सहतूत हो गए, इस प्यार में मेरा हुआ कुछ फायदा इतना, खा-खा के लात हम बहुत मजबूत हो गए, खा-खा के लात हम बहुत मजबूत हो गए, जब से तुमको देखा तुमको पाकर हूँ बेहाल प्रिय, रेस्टोरेंट में तुम्हें घुमाकर मैं हो गया कंगाल प्रिय, तुमसे ऊब के नंबर तेरा ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, मम्मी की मोबाइल से मत मारो मिसकाल प्रिय, मम्मी की मोबाइल से मत मारो मिसकाल प्रिय। अमर भाई ने शादी किया, एक पैसा नहीं दहेज लिए, तब हमने उनके लिए कहा कि वो फूल नहीं हमको अंगारा मिली है, अमर भाई भाभी को कह रहे हैं वो फूल नहीं हमको अंगारा मिली है, लेकर के जिंदगी में अधियारा मिली है, बेशक मारुति हमें मिली है दहेज में, पर भी हमें बिल्कुल खटारा मिली है, पर भी हमें बिल्कुल खटारा मिली है। अब हमको तो वो छोड़कर मैके चली गई थी, कोरोना के बाद हमको दोबारा मिली है, पर बीबी हमको बिल्कुल खटारा मिली है। चार चार पंक्तें उसने कि हमने कहा कि कभी परफ्यूम कभी सेंट मार देती है, कभी वो फोन भी अर्जेंट मार देती है, बीबी है हमारी बिजली विभाग में यारो, उसे छूता हूँ तो करंट मार देती है, उसे छूता हूँ तो करंट मार देती है। हमने कहा कि सुनाई उन्हें जब गजल धीरे धीरे, अभी शकील भाई ने गजल पढ़ी तो हमने भी गजल पढ़ने की कोशिश की और कर रहा हूँ कि सुनाई उन्हें जब गजल धीरे धीरे, चले आए मेरे बगल धीरे धीरे, सुनिए, सुनाई उन्हें जब गजल धीरे धीरे, चले आए मेरे बगल धीरे धीरे, उस दिन परीक्षा में दिल हार बैठे, कराई उन्हें जब नकल धीरे धीरे, कराई उन्हें जब नकल धीरे धीरे, लगी आंख सबकी बजे रात बारह, लगी आंख सबकी बजे रात बारह, मैं पुलिया पे हूँ तू निकल धीरे धीरे, तेरे भाइयों ने सनम मुझको ठोका, तेरे भाइयों ने सनम मुझको ठोका, चटकती है अब ये मसल धीरे धीरे, तेरे प्यार में चौतरफा पिटा हूँ आने लगी है अकल धीरे धीरे। सुनाई उन्हें जब गजल धीरे धीरे, गई जब से पार्लर लैला हमारी, गई जब से पार्लर लैला हमारी, चमकने लगी है सकल धीरे धीरे, बजाओ सभी ये मिल करके ताली, खत्म हो रही है हजल धीरे धीरे, बहुत अच्छा, खत्म हो रही है हजल धीरे धीरे। कौवे मुस्कुराते हैं, कौवे मुस्कुराते हैं, कौवे मुस्कुराते हैं, अक्ते धुन बनाते हैं, अब गजल जब ये सुनाते हैं गधे सल्फास खाते हैं। देखिए अंबर भाई देश के बहुत बड़े हास्य व्यंग के कवि हैं, आज सुबह भाभी से थोड़ा लड़ाई हो गई, तिन्होंने कहा कि अगर आप मुझे गुस्सा दिलवाओगे तो हम साधु संत बन जाएंगे जाकर जंगल में। तिनकी पत्नी पूछा कौन वाले साधु बनोगे, जटाउटा रखाओगे कि और कौन साधु बनो, कहन कहें पूछ रही हो, उसने कहा कि अगर नागा साधु बनना हो तो हम तुम्हारा कपड़ा उपड़ा भी उतार के भेज दें।
बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। समस्याएं बहुत जटिल है, अमर भाई बहुत अच्छे कवि हैं हास्य व्यंग के। तब मैं आपको चार पंक्तियां सुनाता हूँ। ये बहुत अच्छा है, ये इनकी भौजी अपनी प्रधान हुई, क्यों भैया? ये प्रधान पति हुए इनके बड़के भैया, अभी प्रधान देवर हो गए, तब से एक देवर नहीं समझवाओ पिक्चर के। तो इनके भौजी कही इनके भैया से, हमका जौन जौन प्रदेश घुमा हुआ हम वही वही रंग का साड़ी पहन गया। तब उनका हरियाणा घुमावे ले गए तो हरे रंग का साड़ी पहने, उनका जयपुर घुमावे ले गए तो गुलाबी रंग का साड़ी पहने, ऐसे ऐसे सब जगह घुमावे गए। तब एक दिन वह कहे कि हमका नागालैंड घुमावा। तो ऐसा बड़ा समस्या खड़ी हो गई भाई का कि भौजी के का हाल हो अगर नागालैंड गए तो। भैया फिर से चुरावा भी। हमने अपने भाभी से कहा था कि घर की बातें अपने भाइयों से मत बताया करो। बहुत अच्छा। एक बार जोरदार ताली अमर भाई के लिए बजाएं। बहुत बढ़िया भैया। तो हमने यूं कहा कि ये देश पूरा बन के वो नरेश खा गए। वाह, ये देश पूरा बन के वो नरेश खा गए, पूरा विधानसभा तो रमेश खा गए, देश कैसे बचेगा ये नेताओं से पूछो, पहले लगाए देसी फिर देश खा गए। पहले लगाए देसी फिर देश खा गए, लूटो खाओ देश को करो ना शर्म, देश को बेचना है आपका धर्म, बेच दो वतन की आन बान शान को, बनो देशभक्त कहो वंदे मातरम, बनो देशभक्त कहो वंदे मातरम। आदर्श का हवा निकला, वह आदर्श का हवा निकला, कोकिला समझा जिसे कौवा निकला, जो भी बोला शराब के विरोध में साथी, उसी की जेब से एक पौवा निकला। देखिए, तो मैंने यूं कहा कि कुछ लोग छिपे खादी के उजले लिबास में, दादाजी सुनिएगा, आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, काफी कवियों को सुना हमने, कहा कि कुछ लोग छिपे खादी के उजले लिबास में होते हिसाम पीते हैं विस्की गिलास में, कुछ लोग छिपे खादी के उजले लिबास में होते हिसाम पीते हैं विस्की गिलास में, साहब बड़े बनते हैं अहिंसा की पुजारी, पिस्तौल मगर रात दिन रखते हैं पास में, जब से बन गए ओ पर्यावरण के मंत्री, जब से बन गए ओ पर्यावरण के मंत्री, सब कीमती लकड़ी लगी उनके आवास में, गरीबों का पैसा जो मिला था विकास में, गरीबों का पैसा जो मिला था आवास में, मंत्री ने लगा लिया उसको अपने विकास में। तो हमारे हमने देखा अजब तमाशा है, हमने देखा अजब तमाशा है, जिसने खोदा कुआं वो प्यासा है, हमने देखा अजब तमाशा है, जिसने खोदा कुआं वो प्यासा है, और लूट कर खा गए वो रसगुल्ले, मेरी किस्मत में बस बतासा है। देखिए, भाभी हमारी गांव की प्रधान है, हमारे भैया से पूछता है आप क्या हैं, जब थाने में जाते हैं कहते हैं मैं प्रधान पति हूँ, तो हमने कहा आप इस तरह बताते हैं जैसे कोई राष्ट्रपति हूँ। जब हमसे कोई पूछता हम कहते हैं प्रधान देवर है। अब तुम्हारो प्रधान बनने का मन करा था? तो एक बार आप जोरदार तालियां बजाएं, एक आपको मैं व्यंग की गजल सुनाऊं। अहे कैसे बंद करा जाई देव का नहीं कहे लड़के। हमने यूं कहा कि गांवों की आन बान और शान खा गए, गांवों की आन बान और शान खा गए, सम्मान मान स्वाभिमान खा गए, नाली खड़ंजा सिर्फ कागजों में बना है, सुखदेव का शौचालय भी प्रधान खा गए। अरे सुखदेव का शौचालय भी प्रधान खा गए, थाने के चक्कर में धरा है खेत को गिरवी, थाने के चक्कर में धरा है खेत को गिरवी, महंगू का सारा पैसा तो दीवान खा गए, दवाई बिन मरीज मरा अस्पताल में, मंत्री जी सारा स्वास्थ्य का अनुदान खा गए। हमने सारा स्वास्थ्य का अनुदान खा गए, और खाते खाते इस तरह आदत हुई खराब, सरे छुप छुप के पूरा हिंदुस्तान खा गए। मंत्री जी सारा स्वास्थ्य का अनुदान खा गए,
हमने उन्हें सम्मान में माइक दिया और मंच, हमने उन्हें सम्मान में माइक दिया और मंच, नेताजी कांव कांव करके कान खा गए, नेताजी कांव कांव करके कान खा गए, हम तो सिर्फ मुर्गा बनाने में रह गए फंसे, लेग पीस सारा छांट के मेहमान खा गए, गांव की आन बान शान खा गए। हमने कहा कि भेड़िए जाने कितने बदन खा गए, कहे साहब ने कहा था कि अच्छे दिन की सरकार आएगी, भेड़िए जाने कितने बदन खा गए, देश की संपदा और रतन खा गए, हमने चुन करके कुर्सी जिन्हें दे दिया, लूट कर वह हमारा वतन खा गए, लूट कर वह हमारा वतन खा गए, लाश को तो है नंगे में दफना दिया, नेताजी उनके कफन खा गए, आज खादी में गांधी जी मिलते नहीं, उनके चेले तो पूरा वतन खा गए, उनके चेले तो पूरा वतन खा गए, खुद को राम का भक्त कहते थे जो, खुद को राम का भक्त कहते थे जो, घर में जुम्मन के सारा मटन खा गए, भेड़िए जाने कितने बदन खा गए। अब देखिए हमारे पीछे बहुत अच्छी खूबसूरत शायरा बैठी हैं, तो हम लोग चाहे फेस वॉश से धुलें, चाहे लाइफ बॉय से धुलें, कौवा से हम लोग कबूतर होंगे नहीं। तो बहुत ही अच्छी शायरा हमारे बीच में, हुमा कसीर को आपको सुनना है। हमने एक शेर यूं कह दिया कि देखकर हुस्न तेरा मैं राजधानी हो गया, देखकर हुस्न तेरा मैं राजधानी हो गया, इस जमी को छोड़कर मैं आसमानी हो गया, सच संवर कर जब कभी वो छत के ऊपर आ गए, सच संवर कर जब कभी वो छत के ऊपर आ गए, चांद उनको देखकर खुद पानी पानी हो गया, चांद उनको देखकर खुद पानी पानी हो गया। तो हम कुछ लड़कियां भाव खाती हैं, तो हमने उनको कहा कि तुम्हें बदलियां बिजलियां जानती हैं, तुम्हें बदलियां बिजलियां जानती हैं, मुझे भी कई हस्तियां जानती हैं, तुम्हें बदलियां बिजलियां जानती हैं, मुझे भी कई हस्तियां जानती हैं, जरा अपने हुस्न पर कम नाज करना, मुझे भी कई लड़कियां जानती हैं, क्या बात, मुझे भी कई लड़कियां जानती हैं, किया प्यार तुमने हमें फूल लेकर, किया प्यार तुमने हमें फूल लेकर, बागों की सब तितलियां जानती हैं, रातों में छुप करके आते थे मिलने, मेरे घर की सब खिड़कियां जानती हैं, तेरी याद में कितना रोए हैं विक्टर, ये दिल जाने या हिचकियां जानती हैं, मुझे भी कई लड़कियां जानती हैं, मुझे भी कई लड़कियां जानती हैं। कभी कन्हैया की बंसी में कैसा है जादू, कन्हैया की बंसी में कैसा है जादू, ये गोकुल की सब गोपियां जानती हैं, एक बार कन्हैया की बंसी में कैसा है जादू, ये गोकुल की सब गोपियां जानती हैं, शहीद वतन के लहू की ये कीमत, ये बेवा की सब चूड़ियां जानती हैं, अब किसे भूख कहते हैं क्या है गरीबी, ये मजदूर की रोटियां जानती हैं, दहेजों की ससुराल में क्या है कीमत, ये मजबूर की बेटियां जानती हैं, ये मजबूर की बेटियां जानती हैं, सियासत की सब कुर्सियां जानती हैं, जलेंगी कहां बस्तियां जानती हैं, जलेंगी कहां बस्तियां जानती हैं। देश में एक आंदोलन चल रहा है, देश की पहलवान बेटियां अपनी अस्मत को बचाने के लिए आंदोलन कर रही हैं, लेकिन इस देश की जो हुकूमत है, मैं एक अध्यापक होने के नाते और एक कवि का निर्वहन करते हुए अपने धर्म का पालन करता हूं, मैंने कहा कि ऊपर से फूल है मगर अंदर से खार है, ऊपर से फूल है मगर अंदर से खार है, उसको वतन से नहीं कुर्सी से प्यार है, ऊपर से फूल है मगर अंदर से खार है, उसको वतन से नहीं सिर्फ कुर्सी से प्यार है, कर रहा जो सदा नारी अस्मिता की वकालत, कर रहा जो सदा नारी अस्मिता की वकालत, शहर में उसका ही जिस्म का कारोबार है, शहर में उसका ही जिस्म का कारोबार है। हमने कहा कि मोटापा घट गया होता गर मिठाई, मोटापा घट गया होता गर मलाई छोड़ देता मैं, मोटापा घट गया होता गर मलाई छोड़ देता मैं,
शुगर भी नहीं आता अगर मिठाई छोड़ देता मैं, अगर नहीं बनता पीएम विधायक ही बना होता, घर शादी करने के बाद लुगाई छोड़ देता मैं, घर शादी करने के बाद लुगाई छोड़ देता मैं। दोस्तों कई कवियों और शायरों को पढ़ना है, हमने कहा कि हम लोग कवि हैं। अभी जब इनकी सरकार में एक पुल का उद्घाटन होने से पहले एक पुल गिर गया था बनारस में, कई उसमें मौतें हो गई थी, तब शशिकांत भैया मैंने कहा कि किस तरह घोटाला होता, सरकारें किस तरह घोटाला करती हैं। तब मैंने कहा कि एक इंजीनियर के पेट में जब हुआ दर्द, एक इंजीनियर के पेट में जब हुआ दर्द, फौरन अस्पताल में आए, डॉक्टर साहब फरमाए, महोदय आप अपना अल्ट्रासाउंड कराएं। यह सुनकर इंजीनियर हो रहा था अचंभा, क्योंकि उसका ऑपरेशन था लंबा, क्योंकि उसका ऑपरेशन था लंबा। ऑपरेशन की जब पहली प्रत हटाई, एक नर्स जोर से चिल्लाई, डॉक्टरों की गुम हो गई सिट्टी पिट्टी, ऑपरेशन से जब निकला सीमेंट सरिया रेता और गिट्टी, ऑपरेशन से जब निकला सीमेंट सरिया रेता और गिट्टी, दूसरे ऑपरेशन में डॉक्टरों के टीम के मुंह पर लग गए ताले, क्योंकि तारकोल पीते 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 इंजीनियर साहब के खून पड़ गए थे काले, इंजीनियर साहब के खून पड़ गए थे काले। तीसरे कविता सुनना कि तीसरे ऑपरेशन में डॉक्टरों की टीम उदास थी, क्योंकि इस बार ऑपरेशन से निकल रही कुछ मजदूरों की लाश थी। चौथे ऑपरेशन में एक डॉक्टर रोने लगा, क्योंकि वह दिल का सच्चा था, इस बार ऑपरेशन से एक मजदूर महिला की लाश निकली, जिसके पेट में बच्चा था। साहब ऐसी सरकारें यहाँ पर चल रही हैं, जातिवाद की सरकारें चलती हैं, किसी को यादव के नाम पे सताया जाता है, किसी को मुस्लिम के नाम पे सताया जाता है, किसी को दलित के नाम पे सताया जाता है। तब विक्टर सुल्तानपुरी कहता है कि जितना अधिक छिपाओगे हर बात पता चल जाएगी, चोटी चंदन रख लो फिर भी जात पता चल जाएगी, महामहिम बन जाओ ये संविधान की ताकत है, जिस दिन मंदिर जाओगे औकात पता चल जाएगी। जब हमारा समाज, हम लोग अपनी गाढ़ी कमाई मंदिर में चढ़ाते हैं, एक भगवान को भोग लगाते हैं, तब विक्टर सुल्तानपुरी श्याम जी की पंक्तियों से कहता है कि रोशनी में बिजली का सामान चोरी हो गया, जिस्म खाली रह गया, ईमान चोरी हो गया, पकड़े जाएंगे मंदिर के सभी पुजारी, क्योंकि आज रात में भगवान चोरी हो गया। कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, ता उम्र बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस व्यवस्था से लड़ते रहे, आज हमें जो बोलने का हक और हुकुम मिला है बाबा साहब की बदौलत मिला है। चाहे जिस समाज की बहन, चाहे जिस समाज की बेटियां हो, तो चार पंक्ति मुझे याद आती है कि मैंने कहा कि वो ज्ञान का चिराग जलाकर चले गए, अज्ञानता से पर्दा हटाकर चले गए, चल रहा जिसके तहत देश हमारा, वैसा संविधान बनाकर चले गए।